हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। भाई आज हम जा रहे हैं हिरोशिमा एटॉमिक बॉम देखने, जहाँ पर अमेरिका ने बम गिरा था, तो वहीं चलते हैं। अभी तो मेरे घर के पास नहीं है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 9-10 मिनट लगती है ट्रेन में, और 9-10 किलोमीटर ही है, तो 9-10 मिनट ही लगती है। तो अभी मेरे को स्टेशन पर जाना है, स्टेशन मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा, तो अभी स्टेशन पर जाऊँगा, साइकिल खड़ी करूँगा, उसके बाद फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ूँगा, फिर वहीं मिलते हैं। भाई खाईता स्टेशन पे आ गए हैं, साइकिल खड़ी कर दी, दिख ही रहा होगा पीछे कितनी सारी साइकिल खड़ी है। पर यहाँ पर ना उनकी खड़ी होती है, जिनका पहले से ऑलरेडी, जिन्होंने इस पे कुछ साइकिल पे कुछ स्टिकर वगैरह चिपका रहता है, जिसकी ये है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ खड़ी हो सकती है, इन्होंने पास पूछ बनवा रखा है। बट मेरी पे कुछ नहीं है, फिर भी मैंने खड़ी कर दी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मैं यहाँ खड़ी करके चला गया था, और इन्होंने उठा के आगे, वहाँ 3-4 बुड्ढे खड़े रहते हैं, वो चेक करने आते रहते हैं बार बार कि किसकी भी ऐसे खड़ी है डिफॉल्टर तरीके से, तो उठा के ले जाते। पिछली बार मेरी उठा के ले गए, तो भाई मैंने बोल दिया मैं नया नया आया हूँ, मुझे पता नहीं था। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, 200 येन लेते हैं। 200 येन में अब एक दिन के लिए खड़े होते हैं। अब 200 येन मतलब वही 100-110 इंडियन रुपये, मतलब इतने तो वहाँ मॉलों में गाड़ियों की भी नहीं होती इंडिया में, यहाँ ये साइकिल की ले रहे हैं। तो वही बात है, पिछली बार भाई ये मेरी उठा के ले गए, पहले मैं यहाँ चेक करने गई, इनके पास नहीं थी, फिर ये वहाँ खड़ी कर देते हैं। भाई मैं चेक करने गया, इनके पास थी, मैंने इनको दिए 200 येन में पकड़ो, भाई उस पर चिपक रखी थी 4-5, वो ही है कुछ वो लगा देते हैं अपना, वो पीली पीली से कि इस दिन खड़ी है, तो उस पर 4-5 चिपक रही थी। ये बोल रहे थे ये भी चिपक रही है, इसके पैसे नहीं दिए, मैं इसके पैसे दे दिए पर इसके हटाना भूल गए हम, वरना इन्होंने कई बार चिपका रखी है। मेरे को लग रहा है आज भी उठा के ले जाएंगे, पर देखो उठा के ले जाएंगे तो इनके 200 रुपये दे देंगे, नहीं उठा के ले गए तो अपने 200 रुपये बच जाएंगे। ये खड़े हैं ना, ये अब सबकी चेक करेंगे, और जिसकी डिफॉल्टर पाएगी उसकी यहाँ ला के खड़ी कर देंगे, और उसको फिर यहाँ से उठा के ले जानी पड़ेगी और पैसे देने पड़ेंगे। ये देखो ये खड़े, ये 4-5 बुड्ढों की गैंग है इनकी, ये साइकिल ठावे दूसरों की, जो भी ऐसे मतलब डिफॉल्टर तरीके से खड़ी करके जाता है, और उसकी फिर यहाँ से इसकी वो अपने निकालने लग रहा है, अब उसकी साइकिल पर चिप चिपका देगा, और फिर जब वो आएगा पैसे देगा, खुद ही हटानी पड़ेगी। स्ट्रीट कार से उतर चुका हूँ, बस ये आ गया सामने, बस ये चलना है, बस ये पार करके ये आ गया एटॉमिक बॉम्ब टॉम, फिर दिखाते इसको। पहले ये ऐसी थी, फिर ये ऐसी रह होगी, कहते ये है कि यहाँ पर इसमें शायद इस नदी में गिरा था, और जिसकी वजह से शायद ऐसी ड्रेन हुई थी, और फिर ये बस ऊपर से ऐसी होगी और ऐसी ख़त्म हो गई, ऐसी बच गई। सोचा था नॉर्मल डे है, वीकेंड नहीं है तो भीड़ नहीं होगी, बट भाई आज मोस्टली स्कूल के बच्चे आ रखे हैं, स्कूल की पिकनिक की तरफ से शायद बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है इन बच्चों की। भाई ये सब प्रेयर कर रहे हैं शायद, सारे चुपचाप खड़े हैं जो आगे खड़े हैं, ये सब प्रेयर कर रहे हैं शांति के लिए, पीस के लिए, स्कूल के बच्चे लग रहे हैं, तो मैं भी इसलिए ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और ये सारी पेपर क्रेन, ये भी शायद कोई बेल है,
पता नहीं बजा सकते हैं नहीं बजा सकते, मैं एक बार फिर भी बजा देता हूँ। भाई मेरे को बजाते ही इन्होंने सारे देखने लग गए, सारे चिपट जाएंगे अभी। भाई ये जो मशाल है ना, ये पूरे दिन जलती रहती है, इसको बुझने नहीं देते, बारिश में भी शायद ये बुझती नहीं है जहाँ तक मैंने अभी सुना है, कवर ववर कर देते हैं, पर भाई ये जलती रहती है मशाल पूरे पूरे दिन। भाई इन्होंने इतनी ग्रीनरी यहाँ पर इसलिए कर रखी है क्योंकि जब अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप करा था तो उन्होंने उसके बाद ये बोला था कि यहाँ पर ना प्लांटेशन होगी ना कल्टीवेशन, कुछ भी नहीं हो सकता, तो इन्होंने इसी एरिया को इतना ग्रीनरी इसलिए कर रखी है कि दिखाने के लिए, कि अपना वो सिस्टम दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। अब इन्होंने भी रिकवर कर लिया और सारे में ग्रीनरी इतनी कर रखी है तो पूछो ही मत। अब भाई देख लो चारों तरफ और सुंदर लगता है भाई बहुत ज़्यादा, मजाक से हट गए। जो पीछे है वो म्यूज़ियम है, उसमें थोड़ा बहुत जो उस टाइम पे बच गया था कुछ करके इन्होंने स्टोर कर रखे हैं, कपड़े किसी के जूते, अच्छा भी नहीं लगता बोलते उड़, पर हाँ इन्होंने स्टोर कर रखे हैं अभी भी, तो देखते हैं अगर म्यूज़ियम खुला हो तो उसमें भी चलते हैं। म्यूजियम बना रखा है, शायद अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कुछ तो थोड़ा बहुत तो पता चले, क्योंकि इन्होंने अंदर जब मैं पहले जाता था तो भाई यही रखता था कि लगा रखा था कि कैमरा अलाउड नहीं है, बट देखते हैं कुछ तो ट्राई करूँगा ही। सारे स्कूल के बच्चे आ रखे भाई, और कोई नहीं है इतने जितने स्कूल के बच्चे हैं, मोस्टली स्कूल के बच्चे ही आ रखे पिकनिक वगैरह पे। मैं म्यूज़ियम में बस जाने वाला हूँ, शायद कुछ पैसे कुछ येन की टिकट लेनी पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, बट एक बार लाइन लग रही है तो इस लाइन को पार करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कितने पैसे लगते कितने नहीं, फिर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये चेक चेक करने लग जाएंगे कि अलाउड नहीं है, पर ठीक है देखते हैं कि होता है तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, देखते हैं। किसी को हेडफोन लेना है अपनी लैंग्वेज में, उसके 400 येन देने पड़ेंगे, और वैसे टिकट के 200 येन है अडल्ट के, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हो जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड यंगर फ्री, और ऑडियो गाइड 400 येन। भाई टिकट ले ली है, अब अंदर जाने लग रहा हूँ। थी बॉम्ब से पहले का ऐसे दिखता था आसपास, ये वो नदी सामने, ऐसे घर वर रोड। Thank you.
तो मैं देख आया म्यूजियम के अंदर जाके यार थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब ये क्या था, क्या हो गया था, मतलब लोगों की बॉडीज देख के, कपड़े वपड़े देख के तो ऐसा सही लगता है कि ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया था। और भाई सच्ची मैं बता रहा हूँ, अभी बाहर निकला म्यूजियम से और बिल्कुल डिफरेंट भाई। ये तो इन चीज़ों को मानना पड़ेगा कि ये क्या टाइम देख के और आज इन्होंने भाई चारों तरफ क्या कर रखा है, मतलब जापान का इन्होंने क्या बना रखा है, इतना वो देख के इतना वो हुआ इनके साथ। इसके लिए तो भाई इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सीन ये होता है कि भाई 10-15 मिनट के व्लॉग में सारी चीज़ मैं नहीं दिखा सकता और ख़ुद को भी शर्म आती है उनकी डेड बॉडीज दिखाने के लिए। ये वो रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया मोस्टली सब कुछ ही, बट यार फिर खुद ही मन नहीं मानता। बट भाई सच्ची में इनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, क्योंकि आज देख के, क्योंकि अभी आप इससे पहले व्लॉग में देख ही लोगे क्या सीन था, और अब देखो भाई चारों तरफ भाई क्या, और वो वीडियो में देख के भाई सच्ची में इस चीज़ में तो इन्होंने बहुत बढ़िया कर रखा है कि यहाँ ग्रीनरी कर रखी है। क्योंकि पहले भी व्लॉग में मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले ही कि इन्होंने इसलिए लगा रखे है कि अमेरिका ने बोला था कि बाद में यहाँ कल्टीवेशन कुछ भी नहीं होगा। और अब देख लो भाई व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा कैसी हालत थी इनकी, कैसी नहीं थी। और अब देख लो भाई कसम से इन्होंने बहुत तरक्की करी है 70-75 साल में, और मेरे हिसाब से तो थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी। जैसे कि 2011 में इनके सुनामी आई, नागासाकी में बम फूटा, फिर पहले यहाँ फूटा फिर नागासाकी में फूटा, तो इस चक्कर में उसके बाद भी भाई इन्होंने बहुत वो कर लिया। इस चक्कर में भाई इनसे रिस्पेक्ट तो बढ़ चुकी है कसम से भाई। इस व्लॉग में कसम से बहुत मेहनत लगी थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और भाई सच्ची में मैं दूसरे दिन आ रहा हूँ, पहले दिन एक दिन और आया था, उस दिन म्यूज़ियम बंद हो चुका था, तो मैं स्पेशली म्यूज़ियम के लिए ही आज आया हूँ दोबारा। भाई प्लीज़ कर देना और जितना शेयर कर सको कर देना, क्योंकि भाई ये चीज़ वैसी है बहुत अलग टाइप की है। तो भाई बढ़िया व्लॉग बढ़िया लगा तो कर देना भाई।